नमस्कार। तो भाई कैसे आप लोग? तो भाई हम सर्कल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन काफी इजी है, बस आपको इनका लॉजिक समझ आना चाहिए। आप इनको बस समझने की कोशिश करना, रटे बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस बातों को आप समझते जाइएगा। जैसे जैसे आप चीजों को समझते जाओगे ना, तो सारी चीजें बहुत आसान होती चली जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। बस आप कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाओगे, बस आप ध्यान कॉन्सेप्ट पे देना। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं। ये देखो क्वेश्चन, पिछली क्लास में मैंने बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं इसके। देखना क्या कह रहा है कि पी एंड ई आर टेंजेंशियल पॉइंट, मतलब ये जो पी और ई है ना, ये दोनों टेंजेंशियल, मतलब इसके टेंजेंट है। टेंजेंशियल का मतलब है ये इसके स्पर्श रेखाएं हैं दोनों। ठीक है, तो बाद में क्या बोल रहा है कि एंगल डीबीसी, डीबीसी ये वाला कितना दे रखा है इसने, 20। ये वाला 20 दिया हुआ है। चलिए अभी ये 20 दिया हुआ है। बाद में क्या बोल रहा है, एंगल ईपीएफ इक्वल टू 60। तो आप ईपीएफ बना लो यहां से। ये रहा ई, ये पी पॉइंट यहाँ पे था, ईपीएफ मैंने बना लिया। ईपीएफ ये कितना दिया अभी इसने, ये दिया हुआ है 60। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, आपको ये सभी को पता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये छोटे वाला देखो, ये एक सर्कल है यहाँ पे। जैसे ये मान लीजिए एक सर्कल था और इसमें ये एक टेंजेंट है, यहाँ से एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी, तो इसको टच करके जा रहे हैं। ठीक है, एक टेंजेंट है। अब मैंने आपसे जैसे बोला कि ये जो टेंजेंट है, ये अगर यहाँ पे एक मैं ट्रेंगल बना देता हूँ, ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक ट्रेंगल बना देता हूँ, तो यहाँ पे अगर थीटा एंगल बना तो इसको छोड़कर ये भी कितना होगा थीटा, क्यों होगा, सारी बातें मैंने बता रखी है। ये अल्फा है तो इसको छोड़कर इधर वाला भी कितना बनेगा अल्फा। बस यही इस क्वेश्चन में एक छोटा सा लॉजिक था जो आपको समझने की जरूरत थी, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाते। तो देखना भाई ध्यान से, मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, इस सर्कल में ये इसकी टेंजेंट है, ये ई पॉइंट टेंजेंट है यहाँ पे देखो। तो जैसे टेंजेंट है तो इसमें ये एक ट्रेंगल बना हुआ है, यहाँ पे देखो ये एक ट्रेंगल बना हुआ है। तो जैसे ये ट्रेंगल देखा ना आपने, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये एंगल 60 है, तो आपको पता है इस एंगल को अगर मैं मानू तो ये है ना, ये इसको छोड़कर इसके बराबर होगा, यानी ये भी कितना होगा 60, कोई एतराज नहीं किसी को। अब ध्यान से देखना, अब आप इस बड़े वाले ट्रेंगल में देखो, ये जो बड़े वाला ट्रेंगल है ना, इसमें ये इसका एक्सटर्नल एंगल है 60 डिग्री है ना, वो एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, इंटरनल के सम के बराबर होता है। यानी जो 60 होगा वो किसके बराबर होगा, 20 प्लस एक्स किसके बराबर होगा, ट्रेंगल बीईसी में वो 60 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितने आगे, 40। देखो कितना इजी सा और लॉलीपॉप सा क्वेश्चन था, ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगले वाला क्वेश्चन देखना, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस चीजों को आपको समझने की जरूरत है। अब ये क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बताता हूँ जो आपको बहुत काम आएगा, वो देखिएगा भाई आप। जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास कहीं पे एक सर्कल बना रखे, इस तरीके से मान लो दो सर्कल आप लोगों को मैंने बना रखे, और ये दोनों सर्कल जो हैं, अगर ये दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, ध्यान से देखना भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं ना, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ से इस तरीके से दो लाइन ड्रॉ कर दी, एक तो मैंने इधर लाइन ड्रॉ कर दी, ये जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं उस पॉइंट से जानी चाहिए दोनों लाइनें, इस बात का ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं ना उस पॉइंट से होकर जानी चाहिए। तो जैसे मान लो इस पॉइंट पे टच कर रही थी और इस तरीके से मैंने दो ये लाइनें ड्रॉ कर दी, ध्यान से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मान लो इस पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रही है और ये दोनों मैंने लाइनें ड्रॉ कर दी, अब मैं इनको भी मिला देता हूँ। ये कोई भी सर्कल जरूरी नहीं है कि दोनों सर्कल इक्वल हो, ये हो सकता है एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल, बस दोनों टच करने चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने ये एंगल थीटा लिया है ना, तो इधर अगर मैंने थीटा लिया तो इसके अपोजिट ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। कैसे होगा ध्यान से देखना, बात को समझने की कोशिश करना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बस आप इसको याद रख लेना। पहले मैं बता देता हूँ कैसे होगा, ये भाई जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं ना, इस वाले पॉइंट पे, यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं ना उसी पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आपसे अगर मैं मानू कि ये एंगल, अगर मैं आपसे बताऊं इस एंगल को मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, कि इस एंगल को मैं थीटा नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इधर देखो, ये इस लाइन पे देखना, ये एंगल थीटा नाम दिया, तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा, सही बोल रहे ना, क्योंकि ये तो वर्टिकली अपोजिट हो गया ना, सिरसाभिमुख एंगल। अब देखो ये टेंजेंट है, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, इसके साथ में ये एंगल थीटा बना हुआ, तो ये इसको छोड़कर ये भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा, सही बोलने लग रहा हूँ। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखना, ये टेंजेंट थी, ये एंगल थीटा, तो इसको छोड़कर ये भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। दोनों देखे, दोनों एंगल बराबर आए कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसको। सेम इसी तरीके से मान लो अगर इस एंगल को मैं अल्फा नाम देता हूँ ना, तो ये भी कितना बनेगा भाई, इधर वाला भी अल्फा, सेम यही अप्लाई कर लेना, ये अल्फा है तो इधर वाला ये भी अल्फा होगा, और ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, बाद में ये हो जाएगा इक्वल, समझ रहे मेरी बातों को। तो ये तो दोनों इक्वल है ही, यहाँ वाले तो ये तो इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये दोनों ट्रायंगल जो बनाए हैं ना मैंने, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, क्योंकि इनके दो एंगल बराबर है भाई, तीनों एंगल बराबर हो तो सिमिलर हो गए।
तो इस बात का ध्यान रखना, ये एंगल इक्वल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये, इसी पे आधारित ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझने की आपको जरूरत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखना, इसने बोला है कि P एंड Q आर टेंजेंशियल पॉइंट, P और Q है वो टेंजेंट, मतलब यहाँ पे टच कर रहे हैं सर्कल और यहाँ पे टेंजेंट है। AQB इक्वल टू 40 डिग्री, AQB इसको बना लो भाई, AQB को, A Q और B, ये पॉइंट यहाँ से दिया हुआ है कि AQB इक्वल टू, यहाँ से मैं बना लेता हूँ AQ इस पॉइंट पे, और इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। मैंने आगे क्यों बढ़ाया मैं आपको रीजन बताऊंगा, यहाँ तक मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये AQB जो दिया हुआ ना, ये एंगल कितना दे रखा है इसने, AQB ये 44 डिग्री दिया हुआ है, ये 44 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और ये 80 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी को। अब ध्यान से देखिएगा भाई क्वेश्चन को, ये 44 दिया, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से मिला देता हूँ, इस लाइन को मैं यहाँ से मिला देता हूँ, ये जो था आगे बढ़ा हुआ था यहाँ पे, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, मुझे एक बात बताओ, ये जो यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ आपको, ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये इस सर्कल के अंदर बना हुआ है, और सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है ना, वो कौन सा होता है, साइक्लिक, उसके अपोजिट एंगल का सब 180 होता है, इधर वाला 80 है, तो ये कितना बनेगा भी बता देना जरा, ये 100 बनेगा, ये 44 है तो ये भी कितना आएगा भाई, 44 आएगा। मुझे छोटी सी बात बताओ कि ये 44 है, 100 है, तो इस ट्रेंगल में देखो, ये जो ट्रेंगल है ना यहाँ पे छोटा सा, ये ट्रेंगल, इसमें देखना, ये 44 हो गया, ये 100 होगा, तो ये एंगल कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये 100 180 होता है ट्रेंगल के सभी एंगल का सम, ये 44 तो कितना बचा भाई, ये 36 बच गया। अब इन दोनों ट्रेंगल को आप ध्यान से देखो, इसको और इसको, आप मुझे बताओ, अभी जो मैंने आपको बताई थी कि दो सर्कल जब भी टच करते हैं, तो अगर यहां से इस लाइन को आगे बढ़ा के मिला दूं और एक लाइन यहां से बढ़ा दूं और इनको मिला दूं, तो ये एंगल अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों ट्रेंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, अभी बताया मैंने, तो ये एंगल 100 डिग्री है तो बताना ये भी कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 100 हो जाएगा। ये 36 है तो बताना ये भी कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये एंगल भी 36 हो जाएगा, कोई एतराज किसी को तो बता दो। अब ध्यान से देखना, ये P भी तो टेंजेंट था भाई, यहाँ पर P पॉइंट इसने कहा टेंजेंट था, इस टेंजेंट इसने बताया क्यों, क्या यूज हुआ इसका, अभी तक तो कोई यूज नहीं हुआ, यूज होगा, आप और क्वेश्चन का आंसर आएगा, ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, ये टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है, तो मुझे बताओ कि अगर ये एंगल जितना होगा इसको छोड़कर ये भी कितना होगा, उतना ही, यानी ये एंगल एक्स है तो बताना ये एंगल भी कितना आएगा, तो आप कहेंगे भाई ये भी एक्स आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ये ट्रेंगल देखो आप ध्यान से, ये ट्रेंगल देखना पूरा बड़ा ट्रेंगल, मुझे बताओ ट्रेंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180, तो आप कहेंगे भाई इसके सभी एंगल का सम करते हैं, इधर x, ये 80 प्लस x और ये 36, यानी कितना आ गया, x प्लस 80 प्लस x प्लस 36 इक्वल टू कितना आ गया भाई, ये आ गया 180 डिग्री, 80 से तो 100 चला गया और यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी बच गई, 100 में से 36 जाएगा तो 64, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 32, ये क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो गया। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो आप देख लेना ये x की क्या आ जाएगी वैल्यू। बड़ा अच्छा और बड़ा ईजी सा क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है, सारे क्वेश्चन बड़े ईजी है, बस आपको सोचना पड़ेगा सभी क्वेश्चन में, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। अब ये देखना भाई, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट यूज होगा जो मैंने आपको कल बताया था, जैसे मैंने इसमें बोला था कि जहां भी कभी आपको इस तरीके की कंडीशन मिल जाए ना, कहीं भी अगर इस तरीके की कंडीशन आपको मिल जाती है कि ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, तो मुझे एक बात बताना, दोनों एंगल 90 90, यानी अपोजिट एंगल का सम कितना हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, ये होगा 180 डिग्री, 90 90 अगर दोनों हो जाए तो आपको समझ जाना कि 180 और 180 उसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम होता है, जो क्या होता है भाई, साइक्लिक, यानी कहीं ना कहीं सर्कल में बना है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, सर्कल में जब बनता है ना क्वाड्रिलेटरल, तो बहुत सारी चीजें वहां से निकल कर आती हैं, तो जब अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए ना, तो आपको ये पॉइंट समझ आ जाना चाहिए जो मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत बार इस पॉइंट को बोला आपके सामने, ध्यान से देखना, ओ सेंटर भी ये AB डायमीटर है, तो आपको पता है डायमीटर कितने डिग्री का एंगल बताता बनाता है, 90 डिग्री, यानी यहां भी 90 बनेगा, यहां भी कितना बनेगा, 90, ये 10 है 20 है, तो आप x का मान बताओ, मुझे एक छोटा सा पॉइंट आप ये बताना, ये 90 ये 90, तो बताइए जरा कि ये एंगल भी कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये भी 90 होगा, ठीक है, और ये भी कितना होगा, 90 होगा। आप इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखो, इस चतुर्भुज को आप ध्यान से देखो, इस चतुर्भुज को मुझे बताना, इस चतुर्भुज के अपोजिट एंगल का सम 90 90 कितना है भाई, 180 हुआ कि नहीं हुआ, जैसे ही 180 हुआ ना, आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक है, यानी ये चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, और साइक्लिक होते ही आपको पता है क्या होता है, मतलब ये एक सर्कल में बना हुआ है कहीं ना कहीं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कहीं ना कहीं एक सर्कल में बना हुआ है, तो सर्कल में बना हुआ है ना, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है,
से, ये सर्कल में बना हुआ, तो ये एक आर्क है, यहां से इस आर्क से बताओ यहां पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप बोलेंगे 10 डिग्री का। इसी आर्क से सर्कमफेरेंस पे ये एंगल भी कितना बनेगा, 10 डिग्री का, यानी ये जो एंगल है वो भी कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। सही बोलने लग रहा हूं? देखो देखें, और क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक का तो इस आर्क से इस सर्कल पे यहां पे 10 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसी आर्क से ये भी कितना बनेगा भाई, 10 डिग्री बनेगा। यानी आपके पास जो ये वैल्यू निकल कर आ गई, क्योंकि यहां भी 10 है, तो ये भी कितना बनेगा, 10 डिग्री। बोलो जरा कोई दिक्कत है किसी को? तो अब ध्यान से देखना, ये 10 डिग्री बन गया। आप मुझे एक बात बताओ, ये 10 डिग्री बन गया तो ये पूरा एंगल कितना था भाई, 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में कि ये 10 डिग्री बन गया, तो आप मुझे बताना इस ट्रायंगल में ये 10 डिग्री बन गया तो ये एक 90 डिग्री है, ये 20 है, तो बोलना ये कितना हो जाएगा, तो 70 डिग्री। आया कि नहीं आया 70 डिग्री? अब इस छोटे से ट्रायंगल का अक्ष तो एक्सटर्नल एंगल ही है ना, और एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, इंटरनल के सम के, यानी जो अक्ष आएगा ना वो किसके इक्वल टू आ जाएगा, 70 प्लस 10 के। इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, ध्यान से देखो, तो अक्ष की वैल्यू कितने आगे भी, 80 डिग्री। आप लोगों का आंसर होगा, खत्म है क्वेश्चन। बस एक छोटा सा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे यूज हुआ। मैंने क्या क्या बताया था, मैंने ऐसे कहा था कि कहीं भी आपको ऐसा फिगर मिल जाए कि अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, आपको समझ जाना है कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं किस पर अभी सर्कल पे है, अगर ऐसा पॉइंट मिल जाए। अगर आपको ऐसा पॉइंट मिल जाए कि कभी भी दो एंगल, जैसे मान लो ये थीटा बन जाए और ये 180 माइनस थीटा बन जाए, कहीं भी ऐसा बन जाता, आपके सामने ऐसा एंगल मिल जाता, आपको समझ जाना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है? ये पॉइंट तो आपको ध्यान में रखने ही है, दोनों बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। चीजें बहुत आसान है, बस बातों को समझते जाना आपको, धीरे धीरे बहुत सब चीजें आसान होती चली जाएगी, ठीक है? अब ये क्वेश्चन देखना, ये बताने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूँ, बड़ा ही आसान सा पॉइंट है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई भी दो सर्कल टच करते हैं, ठीक है, ये दो सर्कल आप लोगों के कहीं पे भी कोई दो सर्कल टच कर रहे हैं इस तरीके से, तो जब भी कोई दो सर्कल टच करते हैं ना, और यहां से मान लो मैं इन दोनों पे कॉमन टेंजेंट का मतलब है ऐसी टेंजेंट PQ ड्रॉ कर देता हूं जो दोनों पे टेंजेंट है, ऐसी टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, और मान लीजिए दोनों R पे टच कर रहे हैं दोनों सर्कल, ठीक है? तो अगर मैं टेंजेंट पॉइंट सबको मिला देता हूं ना, ऐसे इस तरीके से मिला देता हूं, तो ये जो एंगल बनता है ना यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कैसे होता है देख लेना भाई इसको। जैसे मान लीजिए दो सर्कल इस तरीके से आपके टच किए भाई, ठीक है, ये इन पे कॉमन टेंजेंट थी, मैंने जिस पॉइंट पे टच किया ना वहां से एक टेंजेंट और ड्रॉ कर दी, इस तरीके से जिस पॉइंट पे टच कर रहे थे ना वहां से एक टेंजेंट और ड्रॉ कर दी। आपको पता है कि ये अब एक पॉइंट ले लो, मान लीजिए कोई भी पॉइंट आप एस ले लेना, ये पी था, ये क्यू था और ये आर था, और ये पॉइंट मैंने एक एस ले लिया और एस से तो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। मुझे बताना इस पॉइंट से सर्कल पे एक तो टेंजेंट ए है ये और एक टेंजेंट ये है, और इसको मैंने यहां से इस तरीके से मिला रखा है। मुझे बताओ ये दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर है कि नहीं? आप कहेंगे भाई दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो बोलना जरा ये भी कितना होगा, थीटा होगा। सही बोलो? सेम इसी तरीके से ये भी दोनों टेंजेंट बराबर है, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा। आप ध्यान से देखो इस पूरे ट्रायंगल में, इस पूरे ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है, यानी कि 2 थीटा प्लस 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 180, तो थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया, 90। यानी ये जो एंगल है वो कितना आ गया, 90 डिग्री। इस पॉइंट का यहां पे ध्यान रखना था, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता, ठीक है, कि ये एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जब भी कोई दो टच करते हैं। तो अब देखना, ओ इज सेंटर, बी एफ इज टेंजेंट, देन फाइंड एंगल जो है बी सी ए इक्वल टू 110। तो आप मुझे इस एंगल का मान बताओ कि ई सी एफ, बताओ ई सी एफ, यानी ये एंगल आप लोगों को बताना है। क्या किया, एक तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, और फिर इसको मिला दिया इसने, ठीक है, और ये इस तरीके से बना हुआ। आपको जो जो दे रखा है वो सारे इंफॉर्मेशन में बता देता हूँ। आप मुझे एक छोटा सा पॉइंट बताना कि इसने दिया हुआ है कि बी सी ए, यानी ये जो एंगल है ना, ये इसने साफ साफ लिख रखा है कि कितना है अभी, 110 डिग्री। बोलो जरा कोई दिक्कत किसी को? अब आगे का आपका पॉइंट है कि ये लाइन आगे बढ़ाई गई है इस तरीके से, ये लाइन आगे बढ़ाई गई है, तो मुझे बताना एक लाइन पे एक पॉइंट पे 180 का एंगल बनता है, ये हो गया 110, तो ये बचा हुआ जो एंगल रह गया वो कितना रह गया भाई, तो आप कहेंगे 70 डिग्री। कोई एतराज किसी को कि 70 डिग्री रह गया, ठीक है? अब ध्यान से देखना भाई, ये बी एफ जो है ना वो टेंजेंट है इसकी, साफ साफ लिखा है कि बी एफ टेंजेंट है, और ये दोनों सर्कल भी यहाँ पे टच कर रहे हैं, इस पॉइंट पे दोनों सर्कल भी क्या कर रहे हैं भाई, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि इस बी पॉइंट से जो तीनों पॉइंट इसके टच कर रहे हैं ना, उन पॉइंट को सभी को इसने मिलाया हुआ है। देखो देखे ध्यान से मिलाया हुआ है, तो जैसे ही मिला देता है ना सर्कल, ये हाफ सर्कल हो चाहे पूरा बना लो, इसको क्या फर्क पड़ता है उससे,
ठीक है, तो जैसे ही मिला देता ना, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये जो एंगल होगा ना पूरा वो कितना बनता है अभी 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री बनेगा, और इधर वाला ये 70 रह गया, तो बताओ ये बचा हुआ जो एंगल रहा वो कितना रह गया 20 डिग्री, और आपसे यही पूछा था कि ये एंगल कितना आएगा, तो कितना आ गया 20। देखो कितना लॉलीपॉप सा क्वेश्चन था, आई मेरी बात समझ, बहुत आसान है, चीजें समझने लायक है, बस बातों को समझते जाइए, क्वेश्चन के आंसर अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। बस दो चार बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब एक पॉइंट आपको ये तो पता है, जैसे मान लो एक सर्कल है, इसमें मैंने यहां से एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, इस तरह से दो टेंजेंट ड्रॉ करी, आपको पता है दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना बनेगा, भी थीटा बनेगा, जाहिर सी बात है, तो छोटा सा पॉइंट था, सबको पता ही होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि पी एंड क्यू आर टेंजेंशियल पॉइंट, देन फाइंड एक्स, तो एक्स का मान बताओ। ध्यान से देखो भाई, ये 7x है यहां वाला, ठीक है, ये दोनों टेंजेंट है भाई, दोनों टेंजेंशियल पॉइंट में इनको कहीं आगे ले जाके मिला देता हूं, इस तरीके से मान लो ये दोनों कहीं आगे ले जाके मिल जाएगी, तो भाई ये तो दोनों टेंजेंट ही होगी, तो दोनों टेंजेंट होगी मतलब लेंथ बराबर, यानी इधर 7x बना है, तो बोलना जरा ये एंगल भी कितना बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये भी 7x बनेगा भाई, कोई एतराज नहीं होना चाहिए यहां तक किसी को, ठीक है, ये भी 7x बनेगा। अब देखना जरा ध्यान से, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में अच्छे से देखो, इस ट्रायंगल में आप मुझे बताना, इस ट्रायंगल में ये एंगल बाहर वाला कितना है, 12x, यानी एक्सटर्नल एंगल इसका 12x है, तो एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, इंटरनल के सम के, यानी यहां तो 7x है और ये मिलाकर कितना हो गया 12x, मतलब मुझे बताना कि ये एंगल जो बना है वो कितना आया होगा भाई 12x बनाने के लिए, साथ में 5 जोड़ूंगा 5x हो गया, ये 5x तो ये भी कितना आएगा 5x, सही बोलो। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ भाई, इस ट्रायंगल में आ जाओ, जैसे आप इस ट्रायंगल में आते हैं ना, तो आपने एक चीज देखी कि ये जो इधर 7x है ना, ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, यानी ये किससे मिलकर बना होगा, 5x प्लस इस एंगल से, और वो कितना आ गया 7, यानी ये 5x है, तो बोलना जरा ये कितना आ गया, तो आप क्या बोलेंगे 2x आ गया, और एक लाइन पे पूरा जो एंगल बन गया वो कितना बन गया 18x, उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई 180, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 10, और यही आप लोगों का क्या है आंसर है, आई मेरी बात समझ, देखो कितना इजी था, बातें समझनी है बस आपको, क्वेश्चंस बहुत आसान है। अब इस क्वेश्चन में देखना भाई, आपको एक बात समझ आनी चाहिए, मैंने आपसे ऐसे बोलूं कि एक तो ये पॉइंट आप लोगों को, इसमें दो पॉइंट यूज होंगे, एक तो जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और इस पे दो टेंजेंट है, ठीक है, ये मैंने बहुत बार पॉइंट आपको बताया कि टेंजेंट है और इसका सेंटर ओ है, तो अगर मैं इसको मिला देता हूं ना ऐसे, तो ये इक्वल एंगल में बांटता है, नहीं थीटा थीटा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो थीटा थीटा एंगल में बांटता है, ये भी इधर वाला अल्फा है तो ये भी अल्फा बनता है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये पॉइंट आप लोगों को पता है। अगला पॉइंट देखना, एक पॉइंट इसमें और यूज होएगा, वो देख लेना भैया, जैसे मान लो मैं ऐसे कहूं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, तो मान लीजिए ये ए बी है और ये सी डी है, तो आपको ये पता, मैंने बताया अच्छे से कि अगर एंगल बाइसेक्टर तो इनका और इनका रेशियो, यानी ए पॉन बी बराबर होता है किसके, इधर ए के साथ में सी पॉन डी के, ये रेशियो बराबर होता है, क्यों होता है, बड़ा अच्छे से बता रखा है मैंने, सिमिलरिटी में बताया, तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इससे मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। चलिए, ये दोनों बातें इसमें यूज होगी जो पहले से बता रखी है मैंने, क्या बोला है, ये सेंटर ओ है, एपी एंड एक्यू आर टेंजेंट, एई इक्वल टू 2EQ, एई इक्वल टू 2EQ, इसका मतलब क्या हुआ, एई जो है ना, मान लीजिए ये यहाँ पे ये वाई है, ठीक है, इक्यू इक्वल टू वाई है, तो एई कितना हो जाएगा भाई 2y। अब भाई दोनों टेंजेंट थी, दोनों क्या थी, टेंजेंट थी, AQ और AP दोनों टेंजेंट है, यानी AP बराबर होगी, तो AP कितनी हो जाएगी 2y, और y कितना हो गया 3y, तो AP कितना होगा 3y, सही बोलने लग रहा हूं, ध्यान से देखना, और ये सेंटर है, तो मुझे बताओ ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। आप इस ट्रायंगल को अच्छे से देखो भाई, इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है ना आपके पास, आपसे एक्स की वैल्यू पूछी थी, ये ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है, और एंगल बाइसेक्टर जब भी होती है तो वो किस रेशियो में कट करती है, जो इधर रेशियो होता है, इधर कितना है 2y और उधर कितना है 3y, 2y / 3y, तो 2 के साथ में कितना है इधर 4, और उधर कितना हो गया x, तो आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, y से y कैंसिल, 2 से कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितने आ गई 6, और यही आपसे पूछा था कि x की वैल्यू कितनी है, 6 आपका आंसर हो गया, ठीक है। बड़ा लॉलीपॉप सा और बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन इजी है, ठीक है, बस बातें समझ नहीं आप लोगों को। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इफ ई एंड सी आर टेंजेंशियल पॉइंट देन फाइंड x, तो x का मान बताओ भाई, ये टेंजेंट है, दोनों मतलब टेंजेंशियल पॉइंट है, एक तो छोटे वाले सर्कल में, भाई ये तो क्वेश्चन खत्म ही है, कुछ है नहीं इसमें, देखना कैसे, मुझे बताओ ये एई और ई सी दोनों टेंजेंट, ये छोटे वाले सर्कल में देखना, ये जो छोटा सा सर्कल बनाया ना मैंने, इसमें देखना आप ध्यान से, कि ये जो एई और ई सी है दोनों, सॉरी
AE और AC है दोनों टेंजेंट है कि नहीं, ये वाली और ये वाली दोनों छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है कि नहीं, तो आप कहेंगे भाई टेंजेंट है। और टेंजेंट A की पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो दोनों के लेंथ बराबर होती है। ये 2 और 3 5 तो बताना AEB कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भाई AEB 5 हो गया। सही बोलने लग रहा हूं। अब बड़े वाले सर्कल में देखना, अंदर वाले को भूल जाओ, बड़े वाले सर्कल में देखो। भाई मैं आपसे कहता हूं कि अगर एक पॉइंट है उससे एक तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है AE और एक यहां पे सीकेंट यानी जो छेदक रेखा जिसको बोलते हैं वो जा रही है, तो क्या होता है भाई AE का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, ये पॉइंट है ना A से लेकर B यानी कितना आ गया भाई, ये आ गया 2 और इंटू कितना आ गया A से लेकर पूरा D, तो कितना आ गया 5 प्लस x, तो कितना हो गया भाई ये 5 प्लस x। बोलो जरा बराबर होती है कि नहीं होती, सही बोलने लग रहा हूं। तो देखो क्या हो गया, 25 इक्वल टू कितना हो गया 10 प्लस 2 x, तो आपके पास यहां से जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 10 उधर चला जाएगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5, ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। और कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो आप खुद से देख लेना, बात समझ आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बड़ा इजी सा था, बस चीजों को समझने की थोड़ी थोड़ी सी जरूरत है, खास नहीं है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आइए भाई, ये बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। खूबसूरत कैसे बताता हूँ आपको, देखना मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूँ। मान लीजिए आप लोगों के पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, तो मैं आपसे कहूं कि ये एंगल उसका थीटा है और ये एंगल उसका थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी दोनों साइडें बराबर है, ठीक है, दोनों साइडें बराबर है, यानी आइसोसेलस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब मैं आपसे बोलूं कि इस पर मैंने सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, तो अब आप क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल है ना वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये मैंने अच्छे से बता रखी कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बताओ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी बराबर होगी कि नहीं होगी, तो आप कहेंगे बराबर होगी। बस यही पॉइंट था इस क्वेश्चन में, खत्म हो जाएगा। देखना कैसे भाई, आप क्या करेंगे कि इफ एम डी इक्वल टू एम ई, यानी कि एम डी और एम ई दोनों बराबर है, तो मैं आपसे कहूं कि ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी कितना बनेगा भाई, थीटा बनेगा। कोई दिक्कत है किसी को दोनों एंगल थीटा थीटा। पी आर इक्वल टू वन, यानी यहाँ पे पी आर की लेंथ आप लोगों को दे रखी है वन, मतलब पी आर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी भाई, वन हो जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं किसी को कि पी आर की लेंथ कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। आगे क्या बोला कि आप मुझे AD की लेंथ बताओ, AD की लेंथ कितनी होगी यानी AD का मान क्या होगा। भाई एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझने लायक था, वो क्या था कि आपसे मैं कहूं कि एक मान लीजिए आप लोगों के पास में सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में मैंने कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने सर्कल पे, तो आप मुझे एक बात बताना, इस क्वाड्रिलेटरल के जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, तो आप इसमें क्या समझते हो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 180 होता है सामने वाले का सम, तो ये भी कितना होगा थीटा। अच्छे से बता रखा मैंने, क्योंकि ये कितना बनेगा 180 माइनस थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, अपने आप थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट मैंने बड़े अच्छे से आप लोगों को समझा रखा। चलिए अब देखना ध्यान से भाई, आप मुझे बताना कि ये एंगल थीटा है तो ये एक सर्कल है कि नहीं है। भाई ये पूरा सर्कल ही तो है ना, सेमी सर्कल बना हुआ सर्कल ही तो है, तो इसमें ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ आप लोगों के पास, देखो देखिए क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, तो ये थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल ये 180 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। सही बोलने लगा ना, बातों को समझने की कोशिश करिए कि ये थीटा है तो ये भी बोलना जरा कितना होगा थीटा होगा। बोलो भाई, तो ये थीटा मतलब दोनों लाइन बराबर, यानी ये वाली साइड 1 तो ये DR भी कितनी बनेगी 1 बनेगी। बोलो भाई कोई दिक्कत है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस लाइन को मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया भाई, ओ सेंटर था यहां पर, ओ सेंटर था, तो ME क्या है भाई, डायमीटर है, तो ME जैसे ही डायमीटर है तो डायमीटर सेमी सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। आपके पास एक ट्रायंगल निकल कर आया, कौन सा भाई, ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखो आप, ये ट्रायंगल आपके पास निकल कर आया ME और D, और यहां से एक पॉइंट आ गया आपके पास R, ठीक है, जो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोलो जरा कोई दिक्कत है किसी को, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा, ME और MD दोनों बराबर है। अब भाई जैसे ही दोनों बराबर है, क्यों बराबर है, वो दे रखा है क्वेश्चन में, और ये एंगल थीटा थीटा है। आप मुझे बताओ ये आइसोसेलस ट्रायंगल है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल है, तो जैसे ही बराबर है तो मुझे बताना इस सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाला तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए, आप कहेंगे बराबर बिल्कुल हो गए, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर आएगी कि नहीं आएगी, आप कहेंगे बिल्कुल होगी, तो ये 1 दे रखी है तो ये भी कितनी आएगी 1, यानी आर ई भी कितनी हो गई 1 हो गई। बोलो जरा कोई दिक्कत है किसी को, तो अब जो है ना AD है वो टेंजेंट है भाई, AD टेंजेंट है,
और ये जो है ना ये इसकी सीकेंट है। इस सर्कल को अगर मैं पूरा बना दे ना इस तरीके से, तो DE है ना वो सीकेंट है। तो आप मुझे बताना, मैंने आपको बात अभी बताई थी कि यहाँ से जो AD स्क्वायर आएगा वो किसके बराबर आएगा भाई, वो आएगा DR इंटू DE के। बोलो भाई आएगा कि नहीं आएगा। तो AD स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, DR इक्वल टू 1 है और DE कितना होगा इंटू 2। तो यहाँ से AD की लेंथ आपसे पूछी थी वो कितनी आ जाएगी, रूट 2 आपका क्या होगा आंसर हो गया। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और बस से चीजें आप अगर समझ जाओगे ना, सारी चीजें वही यूज होती है। देखो छोटी छोटी बातें ज्योमेट्री में यूज होती हैं, वो आप सीखते जाते हो तो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। अगर वो नहीं आती है तो फिर भाई क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं। तो बातों को धीरे धीरे सीखो। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, मैंने बताया आपको, ये यहाँ पे खत्म कर दिया इसने क्वेश्चन को। समझ रहे बातों को? चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन देखना, ये भी बड़ा ईजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इफ एच पी इज डायमीटर, यानी एच पी डायमीटर है भाई, इसका डायमीटर है एच पी, और बाकी सेंटर नहीं का, बी सी ये जो ऊपर है ना ये साइन, ये आर्क का साइन होता है यानी चाप। जैसे मान लीजिए मैं इसे कहता हूं कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये मान लीजिए इसके ए बी लेंथ दे रखी है। तो ये जो ए बी है ना इसका आर्क है, इसको अगर लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे आर्क को। और अगर ये लाइन लिखनी है मुझे मान लो ऐसे, तो इसको कैसे लिखते हैं भाई, ये अगर लाइन ए बी लिखनी है तो ए बी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये तो एक लाइन होती है, ये आर्क होता है, ये जो घुमाव करते हैं ना ये आर्क होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मान लो मैं आपसे कह दूं कि ए बी आर्क इक्वल टू, जैसे मैं ऐसे कह देता हूं कि ए बी जो है वो आर्क है और वो 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी आर्क है ना वो सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। किस पे भाई, सेंटर पे, ध्यान से देखना भाई, ये ए बी आर्क है ना वो सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये इसका कहने का मतलब होता है, ठीक है। ए बी आर्क इक्वल टू 90 डिग्री यानी ए बी आर्क सेंटर पे 90 बना रहा है। तो आप मुझे बताना इसके इधर अगर मैं बात करूं कि इधर कितना बनाएगा, तो इधर कितना बनाएगा 90 का, आप यानी कितना बना लेगा 45। ये पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना, आर्क का मतलब ये होता है, समझ गए बात को। चलिए लिख लेना ये पॉइंट है ना, आर्क वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब देखते हैं भाई, इसमें कह रहा है कि आर्क बी सी इक्वल टू 2 इंटू आर्क सी पी, मतलब जो बी सी है ना वो सी पी का डबल है आर्क, ठीक है, डबल है। यानी अगर बी सी है ना वो सेंटर पे अगर 90 डिग्री एंगल बनाएगा ना, तो CP है ना वो इस 90 का आधा ही बनाएगा, यानी वो सेंटर पे 45 डिग्री एंगल बनाएगा। चलिए भाई अब आगे देखो, इक्वल टू 2 थीटा है। अब ध्यान से देखना भाई आप इस पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, BC है, ठीक है, एक तो आर्क BC है और एक आर्क CP है। आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो आर्क, ये तो डायमीटर है, तो आर्क BC है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा भाई। यहां पे मान लो कि सेंटर, तो इस पे सेंटर पे कितना दिखाया हुआ है इसका एंगल, तो आप कहेंगे सेंटर पे 2 थीटा एंगल बनाएगा। तो इसकी सर्कमफेरेंस पे यहां पे कितना बनाएगा, तो आप कहेंगे यहां पे थीटा ही बनाएगा, क्योंकि 2 थीटा का हाफ बनाएगा भाई, सेंटर पे डबल बनाएगा तो सर्कमफेरेंस पे उसका हाफ बनाएगा, ठीक है। चलिए तो आप मुझे बताना BC आर्क यहां पे कितना एंगल बना के आया भाई, ये वाला यहां पे बना दिया इसने थीटा। अब आर्क CP है, आप मुझे बताओ आर्क CP सेट, देखो 2 इंटू CP यानी 2 CP इक्वल टू 2 थीटा, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यानी जो CP आर्क है ना वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो आप कहेंगे CP आर्क सेंटर पे थीटा एंगल बनाएगा। CP आर्क इक्वल टू थीटा यानी CP आर्क सेंटर पे थीटा एंगल बनाएगा। तो मुझे इतना सा बता दो कि ये सर्कमफेरेंस पे कितना बनाएगा, हाफ, यानी CP आर्क है और ये कौन सा एंगल बना रहा है, ये बना रहा है भाई, तो ये कितना बनाएगा बताना, इस थीटा का हाफ, यानी कितना आ जाएगा थीटा बाई 2। बोलना जरा कोई दिक्कत किसी को है तो, थीटा बाई 2 बनाएगा। अब ध्यान से देखो, ये 75 डिग्री, इसको मैं मिला देता हूं, BH को मैंने मिला दिया, तो मुझे बताना HP क्या था, डायमीटर था। तो HP डायमीटर है, तो डायमीटर हमेशा सर्कमफेरेंस में क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कोई एतराज हो तो बोल सकते हो आप, 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये 90 है, ये 15 डिग्री है, तो मुझे बताना ये एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, 75 डिग्री। बोलो भी आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा 75। अब एक पॉइंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर यूज होने वाला है, वो पॉइंट ये है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ना आपके सामने, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन गया बताइए जरा, कौन सा बना। तो आप कहेंगे कि ये बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा बना, साइक्लिक, क्योंकि सर्कल के अंदर बना हुआ है तो साइक्लिक का। तो ये 75, तो बोलना ना जरा कि ये पूरा एंगल है वो कितना आएगा, तो 180 में से 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ भाई, BCP में जैसे ही मैं आता हूं तो मुझे पता है कि इस सर्कल, इस ट्रायंगल के सभी एंगल का सब 180 होता है, यानी थीटा प्लस थीटा बाय 2
और प्लस 105 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी यहाँ से 3 थीटा बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा 75, 3 से कितनी बार घटेगा 25 बार, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 50 डिग्री। बोलो जरा किसी को कोई दिक्कत है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री आपके सामने है, मतलब ये जो एंगल है ना ये कितना आ गया 50 डिग्री। अब आपको दिया हुआ ये कि ये तो 90 डिग्री है, इस तरीके से दे रखा है, ये 90 डिग्री है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल ये 90 डिग्री है, और इधर पूरा इस लाइन पे ये 50 आ गया 90, तो बताना ये एंगल कितना बनेगा। आप क्या बोलेंगे, ये एंगल बनेगा 40 डिग्री, और 40 और 15 कितना होता है भाई, ये हो जाता है 55 डिग्री, यानी इस ट्रायंगल के सभी एंगल ये 55 बना, तो ये कितना बनेगा 180 में से 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 125, और 125 किसके बराबर है भाई, यहाँ पे 5x इक्वल टू कितना आ गया 125, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 25, और यही आप लोगों का क्या है आंसर। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन था भैया, बस बातें वही थी, क्वेश्चन को समझने की जरूरत थी आपको, और कुछ नहीं था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बातें समझिए और क्वेश्चंस को सोल्व करिए, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, चीजें अगर आपको समझ आएगी तो ठीक है। ये मुश्किल क्वेश्चन होता है ना वो क्वेश्चन बेस्ट नहीं होता, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो क्वेश्चन इजी होता है लेकिन वो हमसे सोल्व नहीं होता, इजी होता है हमें बस लॉजिक नहीं समझ आते, वो इंपॉर्टेंट होता है और वो क्वेश्चन अच्छा होता है, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन कभी बेस्ट और कभी वो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते, क्योंकि वो कभी एग्जाम में नहीं आने हम लोगों के, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन वो ही अच्छा होता है, वही क्वेश्चन बेस्ट होता है जो इजी हो लेकिन हमें लॉजिक इतना आसानी से नहीं समझ आए। आप देख लेना कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आप लोगों ने उठा के देखे होंगे कि जब भी कभी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी आते हैं। इजी कैसे आते हैं, वो इजी तो इस तरीके से आते हैं कि आप जब भी उनको सोल्व करते हो ना, तो अगर आप पहली बार, जैसे कोई नया क्वेश्चन आया, मान लो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप पहली बार सोल्व करेंगे आपसे सोल्व नहीं होगा, लेकिन जब आप उसको सोल्व कर लेंगे ना आप लगेगा यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो बातों का ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है कि बोथ आर सेमी सर्कल, मतलब दोनों सेमी सर्कल है, और ये यहाँ पे जो पॉइंट है ना यहाँ पे टच कर रहे हैं भाई दोनों सेमी सर्कल, यानी अगर मैं इसको आगे ऐसे बढ़ा दूं और इसको आगे ऐसे बढ़ा दूं तो इस तरीके से बन जाएंगे, दोनों इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा था, मैंने लिखा नहीं, मैंने बता दिया कि दोनों इस तरीके से टच कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों सेमी सर्कल है, 5x है, और ए आर पी, ए आर ये रहा पी और बी आर क्यू, ये 125 है, तो आप इनको ये बताओ कि आप मुझे x का मान बताना कितना होगा। तो देखना जरा क्वेश्चन बड़ा आसान है, इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा है और इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा है, ठीक है, और ये सेमी सर्कल है। चलिए तो आपको एक बात का पता चला कि थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया, अभी दिया हुआ है क्वेश्चन में 125 डिग्री। चलिए अब मैंने क्या किया, मैंने इन लाइन को भी मिला दिया, मैं एपी को और इस दोनों को मिला देता हूँ बी क्यू को, एपी और बी क्यू को मिला देता हूँ भाई, सेमी सर्कल है तो बोलना दोनों एंगल कितने होंगे 90 डिग्री होंगे, और इस एंगल को अगर मैं मान लेता हूँ ए और इसको मान लेता हूँ मैं बी, तो आप मुझे ये बता दो कि ए प्लस बी कितना होगा। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे ना कि ए प्लस बी कितना होगा, तो देखना इन दोनों ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में मुझे इतनी सी बात बता दो कि इन दोनों ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होगा, कितने ट्रायंगल है दो, तो इस वाले का 180 होगा, इस वाले का 180 होगा, तो दोनों का कितना हो जाएगा 360, 360 में से देखो एक ए 90, एक ए 90, यानी कितना निकल के चला गया 180, यानी बचा कितना 180, मतलब थीटा प्लस अल्फा और ए प्लस बी इन सब का मिलाकर जो सम बनेगा ना वो कितना बनेगा, वो बनेगा 180। तो आप मुझे बताना कि थीटा प्लस अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी दे रही है 125, तो बताओ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 125 180 में से घटा दो तो कितना बचेगा भाई, ये 55 बचेगा। बोलना किसी को कोई दिक्कत है तो, सही बोल रहा हूँ, समझ लेना बस ये इनको सबको करके। अब आपको दे रखा है कि ये टेंजेंट है, PQ इसकी टेंजेंट है, तो आपको एक बात का पता है कि सर्कल में जब भी कभी इस तरीके की कंडीशन आती है ना, तो इस तरीके से पूरे सर्कल ही तो बने हुए थे भैया, ये दोनों ही तो पूरे सर्कल बने हुए हैं, तो सर्कल में एक ट्रायंगल बना हुआ, तो मुझे बताना ये एंगल किसके बराबर होगा, इसको छोड़कर इसके बराबर होगा, यानी कि ये जो अगर ये एंगल है ना यहाँ वाला, ये किसके बराबर होगा, इसको छोड़कर इसके बराबर होगा, तो मुझे बताओ ये कितना दिया हुआ ए, तो ये भी कितना हो जाएगा ए, सेम इसी तरीके से बी है तो ये भी कितना हो जाएगा बी। आप इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो ए प्लस बी कितना है 55, तो बोलना जरा ये एंगल यहाँ वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा 180 में से घटा दो 55 तो 125, और ए थीटा प्लस अल्फा कितना दे रखा था, ये ऑलरेडी में कितना दे रखा है 125 दिया हुआ है, तो बताना एक पॉइंट के चारों ओर कितने डिग्री का एंगल बनता है 360, जिसमें से ये 125 और ये 125 कितना हो गया 250, तो मुझे बताओ 360 में से मैंने 250 घटा दिया तो यहां से बचा कितना भाई 5x बराबर कितना बच गया
360 में से 125 और ये दोनों का सम भी 125 यानी 250 घटा दीजिए तो बचेगा कितना 110। कोई दिक्कत है किसी को? तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कट जाएगा दो बार और ये कितना कट जाएगा 22 डिग्री। इसका क्या आ गया आंसर आ गया। आई मेरी बात समझ? बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन उसको आपको समझने की जरूरत थी। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। भाई अगर क्लास आपको अच्छी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी आज के लिए थैंक यू।